सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये जो जमीन है, जब तक इसका मुआवजा नहीं मिलेगा इस जमीन पे काम नहीं चलेगा। टारगेट व्यापारियों के ये है कि व्यापारी और सरकार और अधिकारी मिल गए। 2047 तक 70% जमीन उनके कब्जे में जानी है। कौन सी फसल को हम पैदा करते हैं वो दिन के उजाले में नहीं बिकती, और जमीन के बैनामे रात को हो जाते हैं, रजिस्ट्रार रात को आ जाता है। रात में जमीन से किसानों को बेदखल करो, इसको लेबर बनाओ, ये इंडस्ट्रीज में काम करेगा, और फिर पूरी दुनिया में चाइना का कंपटीशन यूएसए और यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्री है वे करेंगे। अभी जिस तरह से कावड़ का काम चल रहा है, सरकार का फरमान आया कि अपने ठेली दुकान उस पर अपनी जाति का नाम लिखना पड़ेगा। युवा भी 2 मिनट हो चाहिए, ये आपको एक माला भेंट करना चाहते हैं, आप 2 मिनट का समय हो दे दीजिए। ये जमीन आपकी जब बचेगी, अभी इस पर लगेगा 1 साल, जब ये हाईवे बंद रखोगे, प्रशासन इसे खोलने आएगा, यहां पर फोर्स आएगी, पहले में डराने का काम करेंगे, फिर आंसू के उसके गोले चलेंगे, उस दिन से आंदोलन की शुरुआत होगी। अभी तो ही नहीं, अभी तो जैसे यहां में बांध नहीं लगा करते, अब कितने ये बांध है। और ये नहीं कि जिनकी हाईवे की जमीन वही जाएगी, जितना भी 3000 बीघे का जंगल है ये सब सरकार के खातों में नहीं होगा। ये सरकार किसी पार्टी की नहीं है, अगर ये सरकार बीजेपी की भी होती तो भी वो बातचीत करती, ये है ही नहीं उनकी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा की है ही नहीं, ना मुरली मनोहर जोशी की विचारधारा की है, ये है उद्योगपतियों की, और उद्योगपतियों की नजरें आपकी जमीन के ऊपर है। वे आपकी जमीन किसी भी सूरत में छीनना चाहते हैं, उसकी श्रेणी कुछ बताएंगे, कागजों से उठा के जाएंगे, भाई कब बड़ी होगी, राजा महाराजाओं की वो थी, लोग आनाकर बस के होंगे, ढाक तो खड़े होंगे, सब जगह जंगल खड़े थे, लोगों ने तोड़ तोड़ के एक सार करी, किस राजा ने दी होगी, कहां मिली होगी। अब तो इसके बैनामे होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, स्टाम्प इस पर लगता है, तो देखिए आंदोलन से बचेगी, ये देश बगैर आंदोलन के चल ही नहीं सकता। अपने संगठन को मजबूत रखो, बगैर संगठन के काम नहीं चलने वाला। बहुत सी पॉलिसी सरकारों की ओर भी आ रही है, चाहे वो बीज की हो, वो क्रेडिट कार्ड की हो, किसान को और ज्यादा मुआवजा देने की बात हो, वे फसलों के दाम नहीं देंगे लेकिन किसानों को मुआवजा के नाम तो उसको कर्जा कर्जा देंगे, मुआवजा नहीं कर्जा, बैंक वाले फिर कर्जा ले लो, गोल्डन कार्ड बनवा लो, कहां से दोगे। बिजली का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, बिजली प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, नोएडा में चली गई और आगरा में चली गई, आगरा जैसे उसमें एक का किसान के पास में 12 में 20 लाख रुपए से लगा के और 40 लाख रुपए तक का बकाया है, और वो किसान ब्याज अपना पैसे दे भी रहा है लेकिन फिर भी बकाया है, क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार के रेट है उस हिसाब से भुगतान कर रहा, लेकिन जो कंपनी है प्राइवेट उसके हिसाब से बैलेंस है, उसमें उनकी जमीन ले जाएगी।
आपसे बिजली बिजली का पूरा नहीं पटनेगा। टारगेट व्यापारियों के ये हैं कि व्यापारी और सरकार और अधिकारी मिल गए, 2047 तक 70% जमीन उनके कब्जे में जानी है। क्या आने वाली पीढ़ी आंदोलन कर लेगी? नहीं कर सकती। जब अधिकारी आपको रास्ता नहीं दे रहे, अधिकारी की कार्यशैली सरकारों की पॉलिसी बताती है। अधिकारी के अपना कुछ नहीं होता विवेक, जो सरकार का एजेंडा है उसको फॉलो करने का होता है। सरकार तो दिखाई देती नहीं, क्योंकि सरकार से हम जब दिल्ली में आंदोलन चला 22 जनवरी 2021 को सरकार हमको आखिरी बार मिली। सरकार को हो गए 3 साल से भी ज्यादा, हमसे कोई बात नहीं करती, लेकिन नए नए संगठन वो जरूर बनवा रही है, हमसे जरूर बात करती है। जो सरकारी संगठन बनवाए जाते हैं उस जगह उनसे आंदोलन भी चलवाए जाएंगे। उस तरह के लोग आपके बीच में भी जरूर आएंगे, उनसे तो बच कर रहना। अपने आंदोलन पर ध्यान दो, अपने जो लोग हैं उन पर ध्यान दो, उन पर विश्वास करो और देश में संघर्ष होंगे, बड़े आंदोलन होंगे, ये यानी पूरे देश में होंगे। जब से दिल्ली का आंदोलन हुआ उसके बाद में 24 देश में ये ट्रैक्टर आंदोलन चले, वो यहां से ही आपके यहां से क्या होगा। यूएसए में 56 आदमी है, अमेरिका में उसको एक डॉक्यूमेंट सी है, उसका लिंक आपको दे देंगे, वो देख लेना। उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। 50 साल पहले अमेरिका भी हमारे ही जैसा देश था, वहां पे छोटे किसान थे, छोटे उद्योग धंधे थे, वो आज सब बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में चले गए। यहां पे अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, यहां पे भी नजरें सरकारों की जमीन पे है। उन्हें अपने व्यापारी लोग छोड़ दे के जमीन खरीदो। कौन सी फसल को हम पैदा करते हैं वो दिन के उजाले में नहीं बिकती, और जमीन के बैनामे रात को हो जाते हैं रजिस्ट्रार, रात को आ जाता है, रात में बैंक वाले कर्जा देकर घूम रहे हैं कि कर्जा दुआओ। ये आंदोलन करने पड़ेंगे, आंदोलन संघर्ष होंगे आने वाले टाइम पे। ट्रैक्टरों से आंदोलन होंगे, मुकाबले जो ट्रैक्टरों को रोकते हैं नहीं है, यही किसान का टैंक है, इसी से मुकाबले होंगे, यही साथ देगा आपका। यहां पे बहुत से लोगों की जानकारी मिली है कि वही अपने खेत से मिट्टी उठवाते हैं, वही आंदोलन की बात करते हैं, मिट्टी है बाहर से नहीं जाएंगे। अपने खेत में जुताई करो, अपने खेत मत देना। वे जमाने चले गए कि किसानों पे लाठीचार्ज होगी, फायरिंग होगा, वो नहीं होगा, लेकिन आपको संगठित रहना पड़ेगा। ये आपको जातिवाद में और धर्मवाद में बांटेंगे। अभी जिस तरह से कावड़ का काम चल रहा है, सरकार का फरमान आया कि अपने ठेली दुकान उस पर अपनी जाति का नाम लिखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का आदेश है हम मान लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी कौन सी पार्टी के आप नुमाइंदी करते हो ना, बीजेपी के लोग, सरकार के लोग आपके लिख कर दे सकते हैं कि बीजेपी के लोग कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। वे सबसे ज्यादा इस्तेमाल मीट मच्छी का करते हैं, लेकिन आप देश को लड़ाने का काम ये पार्टी करती है। इस भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये क्षेत्र न दोबारा उत्तराल होने देगा। आप संगठित रहो, संघर्ष बहुत होंगे। ये जो जमीन है, जब तक इसका मुआवजा नहीं मिलेगा इस जमीन पे काम नहीं चलेगा। अपने वहां पर देहरादून और दिल्ली का जो हाईवे चला हुआ है वहां पे कट है भाजो, वहां पे अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी
31 तारीख तक उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी। उस कट पे कोई धरना नहीं है, लेकिन वहां पे काम बंद है। कट नहीं तो काम नहीं। उन्हें चिट्ठी लिखी कि कितनी फोर्स चाहिए, वहां पे काम शुरू करवाओ। आप ट्रायल कर लो, आप फोर्स को लेकर आके काम शुरू करवाओ। हम हर गांव में कट लेंगे, आप अपने गांव में कट लेंगे, आप फोर्स के ताकत पे आप मिट्टी डलवा दोगे। रोहना पुल बना हुआ था, धरना आप ज्यादा लंबा नहीं चला सकते यहां पे। ये एक साल आगे तक जाएंगे, आप हताश हो जाओगे। आप यहां से करो कि यहां पे कोई मिट्टी का काम नहीं चलेगा। जो हाईवे पे ट्रक मिट्टी डालने का काम करेंगे, अगर वो मिट्टी डालने यहां पाएगा तो उसके टैरों में भ्रष्ट करा जाएगा। आप धरना खत्म करो यहां से। जब तक आपसे बातचीत ना हो, प्रशासन के लोग यहां पर बैठे, पुलिस के लोग यहां पर बैठे, क्योंकि अगर आपने धरना दिया, धरना एक साल तक चला तो आप हताश हो गए। आप किसी थाने पर जाओगे, कहीं छेड़खानी करोगे तो लंबा जाएगा आपका। जैसे भाजो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, कोई धरना नहीं है। सिर्फ अभी 3 मीटिंग की, अभी 9 तारीख में फिर मीटिंग होगी, लेकिन एक ट्रक भी मिट्टी नहीं डलेगा। रोहाणे में पुल बना हुआ था, पिलर बने हुए थे, उसके ऊपर रखे हुए थे, वो बटा उसको पढ़ कर ले गए कंपनी। आंदोलन भी करना, आंदोलन करने वाले ठेकेदारी ना करें, आंदोलन करने वाले अपने ट्रक और गाड़ी ना लगावे उसमें, तो ये आपका आंदोलन चलेगा। नहीं तो 3,000 बीघे जमीन आपकी वापी सरकारी खाते में जाएगी। जितने पट्टे हैं सरकार उनको कैंसिल कर रही, ये तो शमशान की जमीन नहीं छोड़ रही। मेरठ के अंदर शमशान भूमि कंकर खेड़ा के पास में बाईपास पे 31 आदमी ने एक कमेटी बनाई कि शमशानों की कमेटी बना रही। लोगों ने सोचा भाई बना रहे होंगे। 31 आदमी ने 21,000 रुपए उसको जमा करे, उसका अकाउंट खुलवाया, उसकी एक कमेटी बनाई, उसमें 16 दुकान 20-20 लाख रुपए की बेच रहे थे। ये शमशान की कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। आप तो ये ढाक और पात की बात कर रहे हैं। मंदिर की बहुत बात करते हैं, जिनके भी गांव में मंदिर हैं, अपनी गांव की कमेटी बना लेना मंदिरों की। अगला टारगेट गांव के मंदिर इनके कब्जे में जाएंगे। एक आदमी शहर में बैठेगा सहारनपुर में, 100 गांवों के मंदिरों को एक पर्चा दे देगा कि ये मंदिर हमारे कब्जे में उसमें है। तो जो भी गांव के लोग हैं अपने कमेटी बना लेना, रजिस्ट्रार के वहां 11 आदमी की कमेटी बना लेना, अपने गांव का मंदिर उसकी जो जमीन दे है, जो प्राइवेट जमीन दे है, वे अपने पास में रखना। तो इनका कहने का मतलब यह है कि इनका टारगेट जमीन पे है। जमीन से किसान किसान के बच्चे नफरत करें। और हर आदमी कर रहा जी खेती में कुछ नहीं जी, तो ये यही तो चाह रहे हैं कि आप खेती से नफरत करो, लेकिन आप जमीन की कीमत बोलो आपकी जमीन बिकेगी। खेत से नफरत आपको हो जाएगी, आप जमीन बेचोगे। बेचते आप विभाव में, आपका यहां पे अधिकारी बैठे ये रेट देते हैं हेक्टेयर में। हेक्टेयर का किसी को पता है क्या? आप यहां से जमीन बेचो और वहां खरीदने जाओ, वो मिलेगी आपको गज में, वो मिलेगी स्क्वायर फीट में। आप अपनी जमीन अपनी फसल जिस भाव में बाजार से खरीदते हो उसी भाव में बेचना शुरू कर दोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम गेहूं बेचते हैं, फसल बेचते हैं क्विंटल में, शहर वालों को तो क्विंटल का पता नहीं कितना है, वो तो कहेंगे जी 450 रुपया 1200 रुपया 2100 रुपया मिल रहा जी, 2200 रुपया मिल रहा जी, किसान मालामाल हो गया।
ये नहीं पता कि कितने केजी का मिल रहा। आप जिस रेट में कोई चीज खरीदते हो उसी रेट में बेचने का काम करो, उसी केजी केजी में, जिस सिस्टम से खरीदते हो। अगर आप केजी में खरीद रहे तो केजी में उसको बेचने का रेट दो। आप जमीनों को बेच रहे हो, आप शहर में प्लॉट खरीदोगे तो मीटर में खरीदोगे, यहां बिघो में बेचोगे तो आप जमीन को बेचोगे ही नहीं। इसकी डील ने बहुत स्पीड से बेचने का काम करा। अगर हमारे बाप दादा बेच के जाते तो आप क्या करते आज? तो आप दूसरा कोई भी धंधा करें, आप अपने रोजगार की तलाश करो, जमीन को ना बेचो, जमीन अपने तीसरी पीढ़ी के लिए छोड़ो। इस देश में लेबर कम है, अब ध्यान से सुन लेना, अधिकारी भी है, आप भी सुन लेना, लिख लेना, पॉलिसी क्या चल रही है। यूएसए, यूरोपियन कंट्री और चाइना, ये दो पार्ट है। चाइना का कब्जा पूरी दुनिया में, अमेरिका के यूरोप के बाजार में भी है। यूरोप और यूएसए को एक किस तरह के देश चाहिए जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, यहां पे वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फैक्ट्रियां। फैक्ट्री लगेगी उसके लिए सस्ती लेबर कहां पे मिलेगी? जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी। तो ये भारत देश लेबर कंट्री चुना गया है पूरे वर्ल्ड में। ये जितने हाईवे बन रहे हैं ना, आपके लिए नहीं है, ये यहां से वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है जिसके पास में हजारों हजारों को पानी के जहाज हैं, वे एक दिन में फसलों को उठाकर दूसरी जगह बेच देंगे। कहां पे फसलों के रेट ज्यादा होंगे, कहां कम होंगे, वो एक साल में उसको खत्म कर देते हैं। तो यहां पे इंडस्ट्री लगेगी, उसके लिए लेबर एक्ट में संशोधन किया गया, उसके लिए ये हाईवे बन रहे हैं। लेबर आएगी गांव से, जब एग्रीकल्चर सिस्टम डिस्टर्ब होगा, गांव डिस्टर्ब होगा, लेबर आएगी वहां से। तो सारा टारगेट यही कि जमीन से किसानों को बेदखल करो, इसको लेबर बनाओ, ये इंडस्ट्रीज में काम करेगा, और फिर पूरी दुनिया में चाइना का कंपटीशन यूएसए और यूरोपियन और अमेरिकन जो कंट्री है वे करेंगे। ये पूरा सिस्टम है, गणित आप समझ लेना। उनको दो चीज मिलेगी, यहां पर सस्ती लेबर मिलेगी और मार्केट मिलेगी। कोई भी चीज आप यहां पर फेंकोगे तो जनसंख्या बहुत है, कुछ भी, उनको मार्केट मिला और जनसंख्या ज्यादा है, मार्केट मिलेगा और लेबर मिलेगी। क्योंकि हम भी पूरी दुनिया में काम करते हैं, 160 देश है जिसमें संगठन काम कर रहा है, 160 कंट्री में। अभी अगले साल सितंबर में बेंगलोर में रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, जहां के डीसी कुमार जो मुख्यमंत्री है उसका होम डिस्ट्रिक्ट है। सितंबर 2025 में वहां पे इंटरनेशनल प्रोग्राम हमारा हो रहा है और 10-12 दिन चलेगा, उसमें 90 देशों के लोग हिस्सा लेंगे, करीब 500 के करीब उनकी संख्या होगी और 1000 के आसपास हमारे लोग होंगे, भारत से होंगे, 400-500 आदमी का स्टाफ होगा, करीब करीब 2500 लोग भी वहां की रहने की व्यवस्था, उस पर काम वहां पर शुरू हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन इंटरनेशनल प्लानिंग कमेटी IPC उसकी मेंबर है। पूरी दुनिया में जो प्लानिंग होती है, इंटरनेशनल प्लानिंग कमेटी उसकी मेंबर भारतीय किसान यूनियन है। ये यहां नहीं, अपने बड़े देश के तो लोग मान देंगे, बिना यहां की सरकार मान देगी। पिछले साल एक प्रोग्राम हो रहा था, सरकार हमको तो चिट्ठी पत्र देती नहीं, चाहे वो दिल्ली की कोई मीटिंग हो, हमको नहीं देती। वहां पे कृषि मंत्री
आए, वो 5-6 दिन का प्रोग्राम था। हमको चिट्ठी पत्र गुजरी थी, भारत के कुछ ही लोग थे जो वहां पर गए थे, हम भी वहां पर थे। उन्हें पूरा खंगाला जी ने को चिट्ठी दी थी, आए कहां से? हम आए वहां पे इटली की तरफ से, हमारा जो ऑफिस है वो इटली में है, वहां इटली की तरफ से उन्हें वहां पे चिट्ठी दी। इटली की तरफ से जो आईपीसी का था उसका प्रतिनिधित्व हम भारत में रहकर कर रहे थे, मैं पूरा खंगाल ले, ये चिट्ठी दी नहीं आए कहां से? हम 2-3 बार उस कमेटी में जाते हैं, वहां पर जो भी भारत में मीटिंग होगी वो भारत वो सरकार के साथ में मीटिंग उसकी होती है, उस देश की प्लानिंग बनती है, उसमें बहुत से कंट्री के लोग उसमें थे। जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये अपने संगठन ने बनवाया था, आज इसको भारत सरकार वाई कर दी, लेकिन ये आईपीसी की जो कमेटी थी उसकी अप्रूवल पे बना था। आपके साथ में पूरी दुनिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां कोई भी मूवमेंट होता है, जब ट्रैक्टर का आंदोलन चला तो 24 देशों में ट्रैक्टर लेके ही लोग चढ़े, आपने देखी होगी बहुत खबरें। तो आप अपने संगठन पे ध्यान दो, अपने आंदोलन पे ध्यान दो, अधिकारियों को कोई भी चीजें लिखित मत हो, उसकी एक कॉपी अपने पास में रखो, एक अधिकारी को दे दो। यहां पे काम की बंदी आती है, क्योंकि काम से ही प्रेशर बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। तो आप लोग यहां पाए, टेंट छोटा रहा, आपको अपनी उम्मीद नहीं थी कि भीड़ आएगी, और बढ़ना पाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, जो हमारे अधिकारी उनका भी धन्यवाद, हमारी रिपोर्ट आप सरकार तक दे दो। अध्यक्ष जी अभी बोल लेंगे, और जो भी यहां की कमेटी का फैसला होगा हम उसके साथ में, यहां की कुछ शिकायतें भी है वो भी सुन लो भाई। यहां से शिकायत यह भी नहीं कि रात को कुछ लोग यहां ड्रिंक करते हैं, अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो ये धरना स्थल धर्म स्थल है, अगर आप इस तरह की कोई हरकत करोगे तो फेल हो जाओगे, ये धर्म स्थल है, धर्म स्थल धरना धर्म, जहां पर हम बढ़ते हुए हैं किसी कोच के लिए। अधिकारी से सम्मान करना सीखो, अधिकारी को इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये हमारे बीच में दूत का काम करेंगे, सरकार तक हमारा मैसेज देने का काम करेंगे। तो आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सारण।